हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, बांकेलाल और सत्यानाशी का फूल। विशालगढ़, राजा विक्रम सिंह के राजमहल में आज विशेष चहल पहल थी। ये फूल तो पूरे महल में सजाने के लिए है। अरे रे, ये क्या कर रहा हूं मूर्ख, एक टोकरा पुष्प का स्वागत द्वारभर ही खत्म कर देगा। किंतु प्रबंध मंत्री जी, महल को सजाने के लिए अभी तो 19 टोकरे और आने हैं। हाँ तो कौन मना कर रहा है कि टोकरे नहीं आएंगे, वो देखो टोकरे आ गए। अगर मैं महाराज के कहने से 20 के 20 टोकरे सजावट में लगाने लग पड़ा तो हो गई कमाईया। प्रबंध मंत्री जी, खाली टोकरे कहाँ रखूं, अभी महाराज के कक्ष में रख दो, बाद में बेच देंगे, क्योंकि मुझे दूसरे प्रबंध भी देखने हैं। तभी महामंत्री जी ने बुलावा भेजा प्रबंध मंत्री कुव्यवस्था सिंह को। प्रबंध मंत्री जी, हज्जाम का प्रबंध हुआ कि नहीं? उफ, इस राज हज्जाम को भी उसकी बीवी ने आज ही बेलन मारना था, मगर मैंने फिर भी एक हज्जाम का प्रबंध कर ही लिया है। अब किसी को क्या पता कि वह हज्जाम पहले सदर में घोड़ों की हजामत करता था। इधर राजा विक्रम सिंह के कक्ष में, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते राजकुमार, चलो मुंडन के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, माँ मैं सिर नहीं मंडवाऊंगा, वरना मेरे मित्र मुझे गंजा पटेल तेरी खोपड़ी में तेल क्या कर चढ़ाएंगे। पुत्र, अगर ऐसी बात है तो फिर हम तुम्हारी खोपड़ी को कभी तेल नहीं ला लेंगे, अब तो मान जाओ। माँ, पिताश्री से कहिए कि ज्यादा ही करने की जरूरत नहीं है। पहले तो इतने साल तक मेरी सुध भी ना ली, अब जब मैं बड़ा हो गया हूं तो ये इसलिए मुझसे प्रेम जताने आ गए, क्योंकि इनके देहांत के बाद इनका मेरे अलावा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ऐसा नहीं कहते राजकुमार, मैं हूं तो सही। देखो, जिंदगी में दो दफा केशों का त्याग करना ही पड़ता है, एक मुंडन की रस्म पर, दूसरे अपने पिता यानी मुच्छड़ के स्वर्गवास पर। ही क्यों महाराज, तुम ठीक कहते हो बाकेलाल, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे केश तुम्हारे पिता के स्वर्गवास के पश्चात नहीं कटवाऊंगी। अब खुश? वादा? पक्का वादा? तो फिर चलो। तो फिर बोलो नन्हे राजकुमार, जिनका अभी नाम नहीं रखा गया है, कि जय। तभी वहां पहुंचे नारा मंत्री ने नारा लगाया, और इस प्रकार सभी तैयारियों के साथ आरंभ हुई मुंडन संस्कार और नामकरण संस्कार की रस्म। पगड़ी उतार कर बताइए महाराज, सिर ही छीलना है या बाल नाल भी लगानी है? उस तरह लगा के क्या मतलब, मुंडन हमारा नहीं हमारे पुत्र का है। पिताश्री, मैं तो बाकेलाल चाचा की तरह चोटी रखूंगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये राजघराने के नियमों के विरुद्ध है। अरे राजगुरु आप, ओह हम आपको बुलाना तो भूल ही गए थे, अच्छा हुआ जो आप बिन बुलाए आ गए, मैं तुमसे भी ज्यादा बेशरम। हाँ तो मैं कह रहा था कि राजकुमार के केशों का पूर्ण रूप से ही त्याग करना होगा। राजगुरु का कहना ठीक है मुच्छड़, मेरा मतलब महाराज, क्योंकि बाकेलाल जैसा जैसी चोटी कोई और नहीं रख सकता। ठीक है राजगुरु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रबंध मंत्री, राजगुरु के लिए सूखे मेवे और दूध लाओ। अभी मंगवाता हूँ महाराज, बल्कि मैं खुद ले आता हूँ, मगर मलाई तो बिल्ली चाट जाएगी। हाँ मलाई मार के यम यम यम। नहीं, मैं तो चोटी रखूंगा, नहीं तो फिर बाकेलाल चाचा की भी कटवाओ। महाराज अपने पिल्ले मेरा मतलब राजकुमार को संभालिए उस तरह लगा के, क्योंकि आज सुबह से मेरा उस तरह 3 घोड़ों की नाक और 2 की आंखें छीन चुका है, और नाल ठोकने के लिए अब तो मेरे पास कीले भी खत्म हो चुकी है। राजकुमार के सिर को मैं पकड़ लेता हूँ, और जब उस तरह सही जगह यानी गर्दन के पीछे होगा तो मैं इसके सिर को अपने आप झटका दे दूंगा। इस प्रकार आरंभ हुआ राजकुमार का मुंडन। राजकुमार के केशों को सफाचट होते देखना कितना शुभ लग रहा है मुझे। मैं चोटी रखूंगा। मुंडन के पश्चात, राजगुरु इसे आशीर्वाद दे कि ये बड़ा होकर अपने पिताश्री का नाम रोशन करे। अवश्य अवश्य, और हमने तो इसका नाम भी सोच लिया है, राजकुमार मोहक सिंह। वाह, अले ले ले मेले टकलू भतीजे का नाम तो वाकई खूबसूरत रखा है राजगुरु ने। भाई जोर से बोलो राजकुमार टकलू, मेरा मतलब मोहक सिंह की जय। मेरे चांद को किसी की नजर ना लगे, मेरी चोटी क्यों नहीं रखी। समापन हुआ उस समारोह का। बाकेलाल चाचा, अब मुझसे बचकर रहना, क्योंकि जब मेरी चोटी नहीं रही तो मैं तुम्हारी चोटी भी नहीं रहने दूंगा। अब स्वर्णलता राजकुमार मोहन सिंह को लेकर चली गई। तब राजगुरु बोले, पुत्र विक्रम सिंह, नामकरण व मुंडन संस्कार तो हो गया, अब राजकुमार की टाट पर चंदन का लेप करने और पूरे विशालगढ़ के वातावरण को चंदन के धुएं से शुद्ध करने के लिए चंदन मन से ताजी चंदन की लकड़ी लानी होगी। यह कार्य तो सेनापति मरखा भी कर सकता है। महाराज न जाने सुबह क्या खा लिया, मेरे पेट में मरोड़े पड़ रही हैं।
ओ, तब फिर कल प्रातः चंदन वन से चंदन की लकड़ी कौन लाएगा, क्योंकि यह कार्य आसान नहीं है। हाँ, इसका फैसला अभी हो जाना चाहिए महाराज, क्योंकि मैं सुबह तक तो पेट का दर्द का बहाना किए पड़ा नहीं रह सकता। मेरा मतलब है महाराज कि जो फैसला करना है अभी कर लीजिए। किंतु सेनापति, अगर तुम्हारे पेट में दर्द है तो तुम अपने सैनिकों को वहां भेज दो। महाराज, जब आपकी माँ मरी थी तब चंदन की चिता जलाने के लिए लकड़ियां लेने गए 25 सैनिकों में से केवल 5 ही बचकर आ सके थे। भला ऐसी सूरत में कौन सैनिक वहां जाएगा? मुझे तो पेट दर्द ही हुआ है, उन्हें तो दस्त लग जाएंगे। और फिर महाराज, मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी नानी की नानी मर गई है। महाराज, मेरी पलकें कल से बिल्कुल नहीं झपक रही, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। महाराज, कल मेरी बीवी मायके जा रही है, पांव दबाए बिना उसे नींद नहीं आती, 2 दिन की छुट्टी चाहिए। देखा महाराज, मगर इसमें सोचने की क्या बात है, आपका अपना बाकेलाल तो है ही, बलि का बकरा। मगर हाँ बाकेलाल, यह कार्य तो तुम ही कर सकते हो। भाई जोर से बोलो, बाकेलाल की जय। भाई आवाज नहीं आई, आएगी भी नहीं। बाकेलाल, अब तो तुम्हारी जय जयकार के नारे भी नारा मंत्री ने लगा दिए, अब तुम इनकार नहीं कर सकते। बाकेलाल तो पहले भी इनकार नहीं करने वाला था महाराज, क्यों बाकेलाल? जी 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 हाँ महाराज, तुझे देख लूंगा सेनापति के बच्चे। भाई जोर से तो बोलो, ढैचू ढैचू ढैचू। उसी रात बाकेलाल को देखा एक स्वप्न। बाकेलाल, मेरा नाम सत्यानाशी है, एक श्राप के कारण कुछ देर बाद मैं फूल में बदल जाऊंगा। उस फूल की यह विशेषता होगी कि अगर उसके रस को किसी एक को या एक साथ हजारों को चखा दिया जाए और उनके सामने किसी का नाम ले लिया जाए, तो सत्यानाशी के फूल का रस चखे व्यक्ति उस व्यक्ति का समूचा सत्यानाश कर देने में जुट जाते हैं जिसका नाम उनके सामने लिया गया हो। तभी खुल गई बांकेलाल की नींद। कैसा विचित्र स्वप्न था, काश सत्यानाशी का फूल मुझे हकीकत में मिल जाए तो मैं मोटे मुच्छड़ की को थोड़ी देर में राज सिंहासन से उतार दूं। मगर अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे कि मैं विशालगढ़ का तख्ता अति शीघ्र पलट कर खुद राजा बाकेलाल बन जाऊं। और अरे हाँ, उसके लिए अब मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है कि क्यों ना मुच्छड़ का चरित्र सबकी निगाहों में गिरा दूं। वो मारा पापड़ वाली को बन गई अब मेरी लंबी योजना, जिसे कार्यान्वित होने के में समय जरूर लगेगा, मगर अंततः जीत मेरी ही होगी। अगले दिन बाकेलाल, श्रद्धांजलि पुष्प स्वीकार करो। बाकेलाल, आरती मंत्री को आखिरी बार अपनी आरती को उतार लेने दो, मुझे भी बाकेलाल के तिलक करने दीजिए, पता नहीं फिर अवसर मिले या ना मिले। बाकेलाल जल्दी लौटना। बाकेलाल चाचा, मुझे अपनी गोद में उठाओ, मैं आपके गाल पर एक पप्पी करूंगा। ले भतीजे, कर ले प्यार। अगर मैं मुंडन के समय कोई कारण बताकर इसे टाटू होने से बचा लेता तो मुझे चंदन वन ना जाना पड़ता। मैं तो काटी काटी करूंगा। और मुझे पास आकर ये भी देखना था कि बाकेलाल चाचा की चोटी के लिए मुझे कैंची कितनी बड़ी चाहिए। बड़ा ही शैतान व नटखट हो गया राजकुमार। जयकारा राजा विक्रम सिंह का, बोलो विशालगढ़ की जय। इस प्रकार बाकेलाल रवाना हुआ चंदन वन को। चलिए महाराज, बाकेलाल के श्राद्ध का प्रबंध करें, मेरा मतलब है महाराज की राजकुमार को जब तक दुग्धस्नान कराने का प्रबंध कर लिया जाए। ओह ठीक है, चलो एक बार चंदन वन से वापस लौटाऊं, एक एक करके सबसे निपट लूंगा। वैसे मरियल सवार बैठे, कैसे मरियल सवार बैठा देते हम घोड़ों पर। बहुत तेज दौड़ूंगा और कम से कम 2 गुना 10 बार गिराऊंगा। मध्य प्रदेश, जो घिरा था कई छोटे बड़े राज्यों से, राजा सनकी सिंह के हाथ में दी मध्य प्रदेश की बागडोर। ओ आओ गुप्तचर, तुम गुप्तचरों को देखकर तो मेरी बाई पूछ फड़कने लग जाती है। पूछ नहीं महाराज, मूछ मूछ। ओ हम बार बार कई शब्द गलत बोल जाते हैं, ना जाने कब दूर होगा हमारा ये लात रोग। लात नहीं महाराज, वात रोग। खैर जाने दो, कौन सा अचार लाए हो गुप्तचर? अचार नहीं महाराज, समाचार। महाराज, करोल बाग के राजा उद्यान सिंह के राज्य की बकरियां हमारे राज्य की सीमा में मेंगनी करके भाग गई हैं, जरा केला खा लूं। ओ क्या सच? मगर गुप्तचर ठेला नहीं हिलाओगे? ओफ वो ठेला हिलाओगे नहीं महाराज, शब्द केला खिलाओगे है। महाराज आपको तो पता ही है कि जब तक मैं अपनी सूचना पूरी नहीं दे देता, केला किसी को नहीं खिलाता। जी हाँ महाराज, तोल मोल मंत्री ने मेंगनी को तोल कर देखा तो वो एक शेर निकली है। क्या एक शेर मेंगनी? युद्ध युद्ध की तैयारी करो सेनापति, हम अपने 1,000 घोड़े करोल बाग लेकर जाएंगे और वहां जगह जगह पर उनसे लीद करवाएंगे। पर गुप्तचर हमें केला नहीं खिलाओगे?
अवश्य महाराज, पर आप छिलके खाएंगे या ऐसे ही छील के? तो फिर लीजिए महाराज, छिलके ऐश कीजिए। युद्ध में जीत हुई राजा सनकी सिंह की। हम जीत गए। राजा उद्यान सिंह 1,000 घोड़े से पूरे राज्य में लीड करवा कर ही अब हम वापस जाएंगे, मगर आप तो संख्या में अधिक लग रहे हैं महाराज। और अभी युद्ध भूमि से वापस आए एक भी दिन ना बीता था कि महाराज महाराज गजब हो गया। क्या हुआ गुप्तचर? गुप्त मुफ्तचर? मुफ्तचर नहीं, गुप्तचर महाराज। पहले आम खा लूं? गुप्तचर, मुझे राम नहीं खिलाओगे? वाह क्या खुशबू आ रही है मेरे कानों में। राम नहीं आम, कानों में नहीं नाक में। महाराज आम तो ये आखिरी बचा था मेरे पास, मगर आप गुटली खा लेना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। पर मैं क्यों चलता हूँ? अगर चलना ही था तो मैं यहाँ आया क्यों था? महाराज कितनी बार कहा है कि बीच में आम मत मांगा कीजिए, पर पता नहीं आप किस मिट्टी के बने, बात आपकी समझ में नहीं आती। बेवकूफ, सूचना यह है महाराज कि हमारे राज्य के गधे चिराग गढ़ के चने के खेत चर गए। इस पर राजा ने आपको आपके असली नाम से पुकारा। क्या उसने मुझे सनकी कहा? जी नहीं महाराज, उसने तो गधा कहा था। राजा सनकी सिंह ने चिरागौर पर चढ़ाई करने में जरा भी देर न लगाई। राजा रोशन सिंह, अपने सैनिकों के साथ मिलकर गधे की आवाज में रेंगो, तुम्हारा दंड यही है। रेंगो नहीं महाराज, रेंको। और तभी, अरे महाराज आप यहाँ हैं और उधर पड़ोसी राज अदनापुर में चली आंधी में वहां का सारा कूड़ा करकट उड़कर हमारे राज्य में आ गया। अंगूर खा लूं? क्या सेनापति, सेना को फौरन अदनापुर की ओर कूच करने की आज्ञा दो। जो आज्ञा महाराज, खाना खाकर चलते हैं। किंतु गुप्तचर, लंगूर नहीं खिलाओगे? लंगूर नहीं महाराज, अंगूर। अंगूर नहीं खिलाता तो? अच्छा ये बात कर रहा है, कोई बात नहीं, अब आइयो मेरे पास। अब भला एक शक्तिशाली राजा सनकी सिंह का सामना करने की हिम्मत किसमें थी? वहां भी जीत राजा सनकी सिंह की हुई। उधर भाकेलाल घोड़ा दौड़ाए बड़ा जा रहा था चंदन वन की ओर, टुकड़ 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 टुकड़, और ये गया छठी बार नीचे। आ बचाओ! इस बार आ गया बाकेलाल को बीताव। उसने झट चाबुक निकाली और तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा इलाज करना ही पड़ेगा। आ मार डाला कसाई ने, अभी पलटता हूं। तूने घोड़े पर हाथ उठाया, मैं गधा नहीं हूं जो चाबुक खाकर भी मालिक की गुलामी करें। धाड़! ओ मर गया, ओ मर गया, ताक! ओ ये आवाज मेरी तो नहीं थी, ये आवाज मेरी है। और दूसरे ही बल, तुम तो सत्यानाशी हो, तुम तो बाकेलाल हो, मैंने तुम्हें सपन में देखा था। मैंने ही तुम्हें सपन दिखाया था, तुम भूल में बदल गए थे और फिर मैं तुमको मिल गया था। हाँ हाँ क्या हाँ? मतलब ये कि मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा, मगर पहले तुम्हें मेरी दुखभरी कहानी सुननी होगी। सुनाओ, मैं कान बंद कर लूंगा। तो फिर सुनो, इसकी कहानी सुन लेने में कोई हानि नहीं, क्योंकि तब तक थोड़ा विश्राम और मेरा मनोरंजन ही होगा। एक था पहले देश का राजा, एक थी दूसरे देश की रानी। आगे क्या हुआ? और एक था मध्य देश का राजू जादूगर, यानी मैं, यानी सत्यानाशी। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दोनों के दिल घायल हुए क्योंकि तीरे नजर दिल के पार हो गया। दोनों अपने घोड़ों से नीचे उतर आए और मैं एक राजा हूं, तू एक रानी है, तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, तू मेरा राजा। दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कस्में खा ली। हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए, शेर से मैं कहूं कि या तो दोनों को छोड़ दे या फिर दोनों को खा जाए। बात विवाह तक पहुंच गई, शादी के लिए रजामंद कर ली, मैंने एक रानी पसंद कर ली, मैंने भी एक उल्लू फांसी लिया क्योंकि मेरा तो सिर्फ नाम रानी है, मेरी किसी को नहीं पड़ी थी, जबकि मैं कितनी देर से वहां खड़ा दोनों की प्रेम लीला देख रहा था। आज तक मुझे किसी बकरी ने भी पसंद नहीं किया और इस उल्लू सी शक्ल के राजा को रानी ने पसंद कर लिया। बहुत बेइंसाफी है ये तेरे साथ सत्यानाशी। मौका मौका मिला, मौका मिला, ओ लैला ओ लैला। वैसे भले ही मैं उस रानी को पसंद न करता, लेकिन मेरी आदत तो शीशे पर पत्थर फेंकने की है, मैं उससे कैसे बाज आ जाता। कौन गा रहा है ये? अरे यह तो कोई गायक है। अगर आज तक मुझे किसी सुंदर कन्या ने पसंद नहीं किया तो इस राजा का विवाह भी मैं इस रानी से नहीं होने दूंगा। गायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं, किसी को ना पता ना किसी को खबर, बस यार उल्फत के लायक हूं मैं। मैं उन दोनों के सामने जा पहुंचा। मेरा नाम है जादूगर सत्यानाशी। महाराज
इसके इरादे मुझे नेक नहीं दिखते, कहीं ये मुझे तोता ना बना दे। राजा, ये रानी तो मुझे पसंद है, तू कोई और पसंद कर ले, वरना तुम क्या करोगे? बताऊं? हाँ बताओ, मगर रानी की कलाई छोड़ दो, भले ही मेरी पकड़ लो। तेरी कलाई पकड़ने से तो अच्छा है मैं किसी कुत्ते की टांग पकड़ लूं, कलाई तो मैं यही पकड़ूंगा। और तुझे मैंने बना दिया मेंढक, गिली गिली छू नहीं फिर होने वाले स्वामी। उसी समय रानी ने मेरे हाथ पर काट खाया, और फिर दोनों वहां से भाग निकले। मेरे होने वाले स्वामी भागी है, मैं कूद कूद कर भागता हूँ। मैं उनके पीछे भागा मगर वो छिप गए। मगर मेरी बदकिस्मती कि मैं उनकी खोज करता हुआ टकरा गया ऋषि झाड़ी छिपाचार्य से। कौन दुष्ट है जिसने मेरी तपस्या भंग की है? मैं स्वर्ग की अप्सरा से विवाह करने के लिए तपस्या कर रहा था, ये झाड़ियों में कौन कमखत छिपा बैठा था? क्या तूने मुझे कमखत भी कहा? तभी ऋषिवर, ये जादूगर सत्यानाशी है, कृपया इससे हमारी रक्षा करें, क्योंकि इसने मेरे होने वाले स्वामी को मेढक बना दिया है। ओह, सुंदर कन्या का आग्रह तो मेरे पिताश्री भी न टाल पाए थे, इसकी ये मजाल, हम इसे शाप देते हैं कि ये 2 दिन पश्चात सत्यानाशी का भूल में बदल जाएगा, तब हम इसे भी जादू मुक्त करते हैं, जाओ ऐश करो। तब मैं भी गिर पड़ा ऋषि झाड़ी छिपाचार्य के चरणों में। ऋषि के बच्चे, अपना शाप वापिस ले ले, ले लो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा नहीं हूं। ठीक है, जिस दिन तुम फूल के रूप में बाकेलाल को मिल जाओगे और बाकेलाल तुमसे अपना एक काम निकलवा लेगा, तब तुम शाप मुक्त हो जाओगे, अब भाग यहां से। इतना कहने के साथ ही सत्यानाशी खामोश हो गया, फिर गहरी सांस भरकर बोला, बाकेलाल, इसलिए मैं अपने जादू के बल पर तुम्हारे सफर में आया था, अब कुछ देर बाद मैं फूल बन जाऊंगा, तब तुम मुझे उठा लेना। ओ, अगर चंदन वन से चंदन की लकड़ियां लाने में मैं इस जादूगर की मदद लूं तो बात बन सकती है। मन ही मन यह निश्चय करके बाकेलाल ने जल्दी से सत्यानाशी को सारी बात बताने के बाद कहा, देखो भैया जादूगर सत्यानाशी, फूल बनने के बाद मैं तभी उठाऊंगा जब तुम मुझे जल्दी से चंदन वन की ताजी चंदन की लकड़ियां ला दोगे। किंतु बाकेलाल, अब मेरे पास अधिक समय नहीं है, तुम ऐसा करो कि यहां से कुछ दूर चंदन जैसी ही सुगंध की लकड़ियों का वन है, संडल वन, सांप भी होते हैं मगर बिच्छू होते हैं, तुम वही लकड़ियां ले जाना, मगर किसी की टांट पर लेप मत करना वरना फफोले हो जाएंगे। मैं फूल बन गया। अरे, ये तो फूल में परिवर्तित हो गया। तब बाकेलाल ने उठा लिया वह फूल। जादूगर सत्यानाशी के कहे मुताबिक ये फूल तो बड़े काम का, इससे मैं विक्रम सिंह का पूरा 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 का पूरा सत्यानाश कर सकता हूं। अब जल्दी चल। तत्पश्चात बाकेलाल पहुंचा संडल वन में। जरा बचके भैया, ये गिराए मैंने इसे 11वीं बार। उफ, व्यवस्था ना होती तो अभी लात मार का भगा देता मैं इस घोड़े को। ओह, ये क्या बिच्छू, यहाँ तो बिच्छू है। तब बाकेलाल ने उछल उछल कर बिच्छुओं का बनाया मलीदा और एकत्रित की वे लकड़ियां। अब देखूंगा बच्चू की तू तेज रफ्तार से कैसे दौड़ पाता है, इसने तो मुझे गधे की तरह लात दिया। इधर राज दरबार में सांझ होने वाली है महाराज, अब बाकेलाल की वापसी की उम्मीद करना बेकार है। मेरा मतलब है महाराज कि अब वो रात्रि या प्रात से पूर्व नहीं लौटेंगे। मेरा विचार है, मेरे विचार में हमें कल शोक सभा का ऐलान कर देना चाहिए। तभी वहां प्रवेश किया रानी स्वर्णलता ने। बोल मेरी रानी की जय। महाराज, भोजन तो कर लें, आपने आज सुबह से ही कुछ नहीं खाया। आप तो जानते हैं महाराज कि जब तक आप कुछ खा पी नहीं लेते तब तक मैं खाती रहती हूँ कचर पचर। किंतु महारानी, बाकेलाल को अब तक आ जाना चाहिए था। माताश्री, मेरे सर पर तीव्र खुजली हो रही है। माताश्री, पिताश्री का हाथ लगते ही खुजली और बढ़ गई। ओ, घबराओ नहीं पुत्र, तुम्हारे बाकेलाल चाचा चंदन की लकड़ियां लेकर आते ही होंगे। तभी वहां प्रवेश किया प्रबंध मंत्री कुव्यवस्था सिंह ने। महाराज, ये देखिए मैं आपके मनोरंजन के लिए किसका प्रबंध करके लाया हूं। ये कौन है प्रबंध मंत्री? ये खोजा है महाराज। ये क्या खोजता है प्रबंध मंत्री? मैं खोजने वाला खोजा नहीं हूं महाराज, मैं तो वो वाला खोजा हूं। वो वाला कौन सा वाला? आप तो कुछ भी नहीं समझते महाराज, दरअसल जो ना स्त्री होती है और ना पुरुष, वो खोजा होता है। ओ अच्छा अच्छा मगर ये यहाँ क्या करेगा? महाराज, मैं आपको और दरबारियों का मनोरंजन करूंगा। भाई, खोजा हमारे दरबार में तो पहले ही मनोरंजन करवाने की भीड़ लगी है। वो देखो सेनापति मरकप को, वो देखो प्रबंध मंत्री को, वो देखो महामंत्री को, नारा मंत्री, आरती मंत्री और शकुन अपशकुन मंत्री को, और मैं तो हुई, साथ में ये भी है रानी और मेरा पिल्ला, तुम्हारी क्या आवश्यकता है? खैर, फिर भी जब तुम आई गए हो तो हम तुम्हें से मनोरंजन की चीज नहीं बनाना चाहते। आज से तुम हमारे निजी अंगरक्षक हो। अंगरक्षक? आप महान है महाराज, जो आपने एक खोजा को अंगरक्षक का पद दिया। आप वाकई मनोरंजन की चीज है।
वक्त पड़ा तो मैं अपने लिए आपकी जान भी ले लूंगा, मेरा मतलब महाराज जान दे दूंगा। बोलो विक्रम सिंह की जय। तभी विक्रम के सिंह के मुंह से निकली जोरदार चीख। अरे महाराज ने चीख दिया, ये तो अपशकुन है। महाराज आपको 7 जनों को खड़े खड़े छूना होगा मुझे छोड़कर। और महाराज ने चीखा है जिस दिशा की ओर वहां स्थित है मध्य प्रदेश। खोजा तुरंत चल पड़ा तीव्र रफ्तार घोड़े पर। दरअसल खोजा के वेश में मैं हूं राजा सनकी सिंह का गुप्तचर। शीघ्र ही क्या राजा विक्रम सिंह की यह हिम्मत हमारे राज्य की ओर चेहरा करके चीख दिया। चेहरा नहीं महाराज, मुंह करके। हाँ हाँ वही सेनापति, सेना को तैयार होने का आदेश दो, हम फौरन विशालगढ़ पर चढ़ाई करेंगे। राजा सनकी सिंह विशाल सेना लेकर चल पड़ा विशालगढ़ की ओर। ऐसा मुंह तोड़ूंगा कि चीख कान की ओर से निकलेगी। इधर राजमहल में उस समय हर्ष की लहर दौड़ गई जब महाराज बाकेलाल चंदन की लकड़ी लेकर आ गया है। ओह क्या सच महामंत्री जी, राजगुरु कहाँ है, उन्हें फौरन बुलवाइए। तब बाकेलाल, मुझे पता था कि तुम चंदन वन से ताजा लकड़ी जरूर ले आओगे। बाकेलाल जो काम अपने हाथ में लेता है उसे जरूर पूरा करता है। मेरी कमर। तभी वहां प्रवेश किया राजगुरु ने। राजन, चंदन की लकड़ी का लेप तैयार करने के बाद शेष बची लकड़ी को महल के चारों ओर कर प्लाता ही सुलगा देना ताकि उसके धुएं से विशालगढ़ का वातावरण शुद्ध हो जाए। जो आज्ञा राजगुरु। लेकिन तभी सेनापति अत्यंत घबराहट के साथ वहां आ पहुंचा। महाराज महाराज मजा आ गया, मेरा मतलब मुझे गश आ गया यह सुनकर कि राजा सनकी सिंह ने अपनी विशाल सेना के साथ विशालगढ़ पर आक्रमण कर दिया है और उसकी सेनाएं प्रातः तक विशालगढ़ पहुंच जाएंगी। क्या तब फिर अपनी सेना को तैयारी का आदेश दो, ये तो खुशी की बात है। खिल चुकी थी बाकेलाल की भी बाछें, वो मारा पापड़ वाले को। सत्यानाशी के फूल के सही प्रयोग का समय आ गया है। आज रात ही सैनिकों के भोजन में मिला दूंगा सत्यानाशी के फूल का अर्क। उसी रात्रि बाकेलाल ने चल दी अपनी चाल। सत्यानाशी के फूल के अर्क को मैंने भोजन में मिला दिया है। फिर उस रात्रि जैसे ही सभी सैनिक भोजन के लिए बैठे, चीख उठा बाकेलाल, राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह, ओ राजा विक्रम सिंह। और भोर होने से पूर्व सेनापति के नेतृत्व में निकल पड़ी सेना। राजा विक्रम सिंह का सत्यानाश करने के लिए मैं अपनी पूरी सेना के साथ मिल जाऊंगा राजा सनकी सिंह की सेना से, और फिर बिना सैनिकों के लड़ ले विक्रम सिंह युद्ध। ही ही, हम करके रहेंगे विक्रम सिंह का सत्यानाश। सैनिकों के भोजन में मिलाए गए सत्यानाशी के फूल के अर्क के प्रभाव से अब सेनापति और उसके सैनिक विक्रम सिंह के खिलाफ हो गए। लेकिन जैसे ही बाकेलाल वापस जाने के लिए पलटा की उछल पड़ा, तो तुम राजकुमार मोहक सिंह, तुमने कुछ सुना तो नहीं? मैंने तो सब कुछ सुन भी लिया और देख भी लिया बाकेलाल चाचा। ओ ये कमबख्त यहाँ क्या कर रहा था? और आप भी देख लीजिए, मैंने आपकी चोटी के नाप की कैंची ढूंढ ली है, अब मुझसे बच के रहना। ये तो बड़ा खतरनाक लड़का है, इससे हर पल सावधान रहना होगा। इधर राजा सनकी सिंह ने जब सेना को आते देखा तो आक्रमण। ठहरिए महाराज, आक्रमण की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो आपकी ओर से ही विक्रम सिंह के खिलाफ युद्ध करने आए हैं। हम विक्रम सिंह का सत्यानाश कर देंगे। और इस समाचार ने तो विक्रम सिंह के चक्कर ही चुड़ा दिए। क्या सेनापति मरकब हमारी पूरी सेना के साथ राजा सनकी सिंह से मिलकर हम पर ही आक्रमण करने महल की ओर आ रहा है? बाकेलाल को फौरन बुलाओ। बाकेलाल फौरन आया। क्या, मुझे तो पहले ही सेनापति पर शक था महाराज, मगर अब क्या किया जाए बाकेलाल, अब करने को बचा ही क्या है महाराज। विशालगढ़ के वातावरण को शुद्ध करने के लिए महल के चारों तरफ जलाइए चंदन की लकड़ी। बाकेलाल ने कहा कि चंदन की लकड़ी जलाओ महामंत्री। बाकेलाल के कहा अनुसार महल के चारों ओर चंदन की लकड़ी जलाओ। जो आज्ञा महाराज। इधर राजगुरु की देखरेख में राजकुमार मोहक सिंह की टाट पर किया गया चंदन की लकड़ी का लेप। लेकिन ये क्या, लेप करते ही चीखने लगा राजकुमार मोहक सिंह, मेरी टाट में जलन हो रही है, मुझे नहीं करवाना चंदन का लेप, माता श्री मुझे बचाइए। राजगुरु ये क्या कह रहा है, जलन, चंदन का लेप लगाकर तो ठंडक मिलनी चाहिए, अवश्य कुछ गड़बड़ है। ओ ये तो संदल का लेप है जो कि चंदन की लकड़ी जैसा होता है, बाकेलाल ने ऐसा धोखा क्यों किया? माताश्री, बाकेलाल ने सत्यानाशी के फूल कार हमारी सेना को पिला दिया है, जिससे हमारी सेना हमारे खिलाफ हो जाएगी। मैंने बाकेलाल चाचा को खुद ये बात कहते हुए सुना है। चलो महाराज को बताएं। क्या, ये बाकेलाल तो मुझसे भी ज्यादा दुष्ट है। और जब विक्रम सिंह को सभी बातों का पता चला तो, नहीं नहीं बाकेलाल ऐसा नहीं कर सकता, और अगर उसने ऐसा किया तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा, बाकेलाल को बुलाओ। तभी महल की ओर बढ़ती दिखाई दी राजा सनकी सिंह की सेना, जिसके साथ थी विशालगढ़ की सेना भी। सेनापति मरकप सहित हमारी सेना का एक एक सैनिक हमारे सत्यानाश का नारा लगा रहा है, विक्रम सिंह तेरा सत्यानाश, जिसका अर्थ है कि राजा राजकुमार का कहना ठीक है। उधर महामंत्री ने महल के चारों ओर सुलगा दी बाकेलाल की लाई चंदन की लकड़ी। ओम भूर्भुवः स्वः।
इधर बाकेला राजा विक्रम सिंह के सामने पहुंचा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। इस कमगत राजकुमार ने आखिर मेरी पोल खोल थी। अब मरा तू बेटे बाकेलाल। लीजिए महाराज, बाकेलाल आ गया। इधर महल के चारों ओर से उठते धुएं में विशालगढ़ के सैनिकों में मच गई हलचल। ओ ये क्या, हम दुश्मन सेना के साथ विशालगढ़ के महल की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? आक्रमण, विक्रम सिंह का सत्यानाश करना है। सेनापति ने पकड़ ली राजा सनकी सिंह की गर्दन। क्या कहा? घना पहलवान हो रहा है। विक्रम सिंह क्या तेरे घर की मूली है? ये क्या, तुम तो हमारे साथ थे। पहलवान मतलब पहलवान, घना मतलब ज्यादा और रिया मतलब हाँ। चीख पड़ा सेनापति, आक्रमण, दुश्मन सैनिक महल की ओर न बढ़ने पाए। ये क्या, ये विचित्र सी गंध का धुआं सूंघने के बाद इन्हें एक क्या हो गया? इधर विक्रम सिंह की खेल गई थी बाछे। बाकेलाल, ये धुआं उसी लकड़ी का है जो तुम चंदन वन से नहीं लाए। बताओ तुम चंदन की बजाय संदल की लकड़ी क्यों लाए, जिससे राजकुमार के सिर पर भी फपोले पड़ गए और सत्यानाशी के फूल का अर्क का क्या रहस्य है? तब फूट गई मेरी किस्मत। अब बता, अब बना बेटा बाकेलाल कोई कहानी। और तब बताया बाकेलाल ने, महाराज राजा सनकी सिंह एक शक्तिशाली राजा है। उसके आक्रमण की बात जैसे ही मुझे पता चली तो मैंने ये योजना बना डाली। दरअसल संदन की लकड़ी सत्यानाशी के फूल के अर्क की काट है। मेरी योजना अर्क पिलाकर पहले पूरी सेना को आपके खिलाफ कर देने और फिर आक्रमण के समय संदल के धुएं से उन्हें ठीक कर देने की थी, ताकि दुश्मनों में घुसपैठ की हमारे सैनिक आसानी से दुश्मन सैनिकों पर कब्जा जमा लें। अगर मुझे पता होता कि राजा सनकी विशालगढ़ पर आक्रमण करने वाला है तो मैं भला ऐसी योजना क्यों बनाता? और फिर मेरे प्यारे बाकेलाल, आग गले लग जा। बोलो विक्रम सिंह की जय, बोलो बाकेलाल की जय, बोलो पूरे राज परिवार की जय, बोलो विशालगढ़ की जय, बोलो मेरी भी जय। और इस प्रकार सनकी सिंह परास्त होकर वापस लौट गया। फिर महल में चारों ओर छा गई प्रसन्नता ही प्रसन्नता, जबकि बाकेलाल में मन में चल रहे थे योजनाओं के तूफान। बोलो मेरा मतलब समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स जन्मदिन में। तब तक के लिए धन्यवाद।